हाय फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपने वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया था ऑनलाइन या तो करेक्शन के लिए अप्लाई किया था, अगर आपको अभी तक वोटर आईडी कार्ड मिला नहीं तो उसका सॉल्यूशन क्या है, आप नया वोटर आईडी कार्ड कैसा मिले, और उसके साथ और एक चीज़ बताते हैं, अगर आपका वोटर आईडी कार्ड लॉस्ट हो गया, गुम हो गया, तो उसके लिए भी कैसा अप्लाई करें न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के लिए अप्लाई किया या तो अगर आपका वोटर आईडी कार्ड गुम हो गया और आपको नया वोटर आईडी कार्ड मिल नहीं रहा है तो आप क्या करें, ठीक है। सबसे पहले बताते हैं कि अगर आपने करेक्शन के लिए दिया था या नया वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया था और वो अभी तक आया नहीं तो उसका क्या करें। उसके लिए मैं बताता हूँ आपको, एक्चुअली क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रूल्स है कि अगर आपका वोटर आईडी कार्ड एक्सेप्ट हो चुका है उसके बाद 30 to 45 days हो गए अभी तक वोटर आईडी कार्ड नहीं आया तो आप कुछ क्लेम कर सकते हो, उससे पहले नहीं, क्योंकि उनका टाइम होता है 45 days के अंदर, मैक्सिमम 45 days, उसे अंदर अंदर आपका वोटर आईडी कार्ड आपका हाथ में मिल जाता है, ठीक है। अगर आपका भी ऐसा हुआ है और लॉस्ट भी हो गया तो आप मतलब न्यू वोटर आईडी कार्ड कैसा आपको मिले, अगर आपका 45 days क्रॉस हो गया तो आपको वोटर आईडी कार्ड कैसा मिले, तो इस बारे में वीडियो पे बात। सबसे पहले किसी एक ब्राउज़र ओपन करना है और वहाँ पे सर्च करना है कि NVSP.in, ये जो वेबसाइट है ना इसी के अंदर ही है आपका जो अप्लाई वगैरह जो भी है वोटर आईडी कार्ड का सब इसके अंदर ही है, ठीक है। NVSP.in सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा इसको, ठीक है। उसके बाद इसको डेस्कटॉप साइड कर लीजिए अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले जब नीचे आके सबसे पहले स्क्रॉल डाउन के ऊपर आने के बाद सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे फ्रॉम नंबर 1001, उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, जितना भी ऐसे स्टार मार्क है ये स्टार मार्क एक भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, जितना भी स्टार मार्क है ना सब आना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले स्टेट, आपका स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद असेंबली, जो भी असेंबली है, उसके बाद नेम ऑफ इलेक्टेड जिनके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिनके वोटर आईडी चाहिए आप उनका नेम, फर्स्ट नेम लिखना है सबसे पहले। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे नीचे वाला भी ऑटोमेटिक हिंदी पे आ जाएगा वो। उसके बाद सरनेम पे आप उनका सरनेम जो भी है वो सरनेम लिखना है। उसके बाद हिंदी पे हिंदी हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद नीचे है फादर नेम, ठीक है, फादर नेम का पहले फर्स्ट नेम है उसके बाद लास्ट नेम है, सेम प्रोसीजर है। उसके बाद है डेट, आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे सबसे पहले है एज, 1 जनवरी करेंटली कैलेंडर ईयर वो छोड़ दीजिए, आप नीचे आ जाइए डेट ऑफ बर्थ पे और यहाँ पे सिंपल आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, क्योंकि वो जनवरी से कैलकुलेट वेलकुलेट ये सब कौन करेगा, है ना, इससे अच्छा आपका डेट ऑफ बर्थ ही डाल दीजिए, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है जेंडर, आपका जेंडर क्या है, अगर आप मेल है तो मेल लिख दीजिए, फीमेल है तो फीमेल, जो भी है आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद हाउस नंबर, घर नंबर क्या है आपका, घर नंबर लिख दीजिए। उसके बाद स्ट्रीट, स्ट्रीट क्या है, मोहल्ला क्या है आपका, मोहल्ला का नाम लिख दीजिए। एरिया, लोकेलिटी, आपका जो भी एरिया का है आप वो एरिया का नाम लिख दीजिए। उसके बाद है आपका गांव, विलेज। ओके, नेक्स्ट है पुलिस स्टेशन, कौन सा पुलिस स्टेशन से आप है आपका पड़ोसी। नेक्स्ट पिन कोड, जो भी पिन कोड है आपका वो लिख दीजिए। ओके, उसके बाद है ईपिक नंबर, जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है ना, वोटर आईडी का जो नंबर है वो नंबर यहाँ पे लिखना है।
नेक्स्ट रीज़न फॉर अप्लाइंग ऑफ डुप्लीकेट कार्ड, आप किस लिए अप्लाई करना चाहते हो, या तो आपका वोटर आई डी करेक्शन के लिए दिया था, अगर करेक्शन के लिए दिया था तो करेक्शन के लिए लिख दीजिए, अगर गुम हो गया तो लॉस्ट बोल के लिख दीजिए, अगर डैमेज वीमेज जो भी है डैमेज बोल के लिख दीजिए, यहाँ पे जो भी आपका रीज़न है जो भी है मतलब मेंशन कर दीजिए आप यहाँ पे। अगर नहीं किया तो भी कुछ इश्यू नहीं इसका, क्योंकि इस पर स्टार मार्क है नहीं। ओके यहाँ पे देखिए, आई विल कलेक्ट ईपिक फ्रॉम बीआरसी या सीएससी। अगर आप सीएससी से अप्लाई कर रहे हो, अगर आप चाहते हो तो सीएससी से आपका वोटर आईडी कार्ड लेना है तो सीएससी या बीआरसी से ले सकते हो। और नीचे है आई विल रिसीव माय ईपिक बाय पोस्ट, अगर आप पोस्ट से डायरेक्ट आपका घर पे चाहते हो तो घर पे भी कर सकते हो। एंड थर्ड पे है आई विल कलेक्ट ईपिक फ्रॉम वीएलओ, अगर आप चाहते हो आप वीएल अपना वीएलओ से कलेक्ट करें तो भी कर सकते हो। तो चलिए मैं वीएलओ का सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वीएलओ मेरा पास ही है, वीएलओ से मैं कलेक्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद है प्लेस, आपका जो भी प्लेस है वो प्लेस लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, प्लेस लिखने के बाद डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे, जो कैप्चा है नीचे वो कैप्चा फिलअप करना है। कैप्चा 48600 है मेरा, आपका भी कुछ अलग आएगा, वो जो भी जिसका है जो भी जैसा आता है वो फिलअप करके सबमिट बटन पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। वो ये सबमिट होने के बाद एक ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगा जिसे आप ट्रैक कर सकते हो। मैं सबमिट करके ट्रैकिंग आईडी से ट्रैक करके दिखाता हूँ।